बिग बॉस 13 के इस कंटेस्टेंट पर नाराज होने का सलमान खान को है आज तक अफसोस। कौन से हैं बिग बॉस 13 के ये कंटेस्टेंट जिनको डांट कर आज भी पछता रहे हैं सलमान, पूरी डिटेल्स, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे यहाँ टीवी विंडो की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी विंडो पर। सलमान खान बिग बॉस को बहुत सीजन से होस्ट कर रहे हैं, हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट ऐसा होता है, लगभग बल्कि कह सकते हैं कि कोई ना कोई क्या, लगभग सारे ही कंटेस्टेंट्स को किसी ना किसी मोड़ पर तो सलमान खान की डांट ज़रूर खानी पड़ती है, चाहे गेम में किसी टास्क की बात हो, चाहे आपस के लड़ाई झगड़े की बात हो, चाहे एक दूसरे के लिए कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि सलमान खान बहुत सारे कंटेस्टेंट्स पर भड़कते हुए नज़र आए हैं अलग अलग सीजन्स में। हाल फिलहाल में सलमान खान आपकी अदालत में नज़र आए और यहाँ उन्होंने कई सारे मुद्दों के बारे में बात की, शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में भी बात की, बिग बॉस के बारे में भी बात की, जिस तरह से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं उस बारे में भी बात की। और यहाँ सलमान खान से जब बिग बॉस के बारे में बात हुई तो सलमान ने बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट का जिक्र किया और कहा कि उसे डांटने का मुझे आज तक अफसोस है। कौन है ये? आसिम है, रश्मि है, सिद्धार्थ शुक्ला है, शहनाज है, आरती है, देबुलीना है या फिर कोई और है? वेल, ये कंटेस्टेंट है पारस छाबड़ा। सलमान खान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ों में मैंने जैसे रिएक्ट किया उसे रोका जा सकता था, उस तरह से रिएक्ट मैं नहीं करता तो चलता, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, कुछ चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं और इसीलिए मैंने इस तरह रिएक्ट किया। यहाँ उन्होंने बिग बॉस के कुछ और सीजन्स के कंटेस्टेंट्स के भी नाम लिए जिन्हें डांटने का भी सलमान खान को आज तक अफसोस है, या यूँ कहें कि सलमान खान को लगता है कि उस सिचुएशन में चीज़ें कुछ और तरीके से भी हैंडल की जा सकती थी, लेकिन इम्पल्सिव नेचर या उस वक्त जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से सलमान ने वैसे रिएक्ट किया। बहुत सारी बातें सलमान खान ने इस शो में की हैं, बिग बॉस से जुड़ी हुई भी ये बात सलमान यहाँ कहते हुए नज़र आए। बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस 16 को ख़त्म हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं और बिग बॉस 17 का इंतज़ार डेफिनेटली दर्शक कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अपने कॉमेंट्स के ज़रिए बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।